सी प्रोग्राम काफी इंटरेस्टिंग केस है, मोस्टली आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, हाउ टू डिस्प्लेइंग और हाउ टू प्रिंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग और ऑकरेंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग। इस केस को जस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए जस्ट सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा, देन एग्जाम्पल्स के बेसिस पर इंप्लीमेंट करें लॉजिक्स, देन फाइनली क्रिएट करेंगे सोर्स कोड। सबसे पहले लॉजिक्स के रिगार्डिंग में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, लॉजिक्स। अगर आपको एक बार लॉजिक समझ में आ गया देन आपके लिए स्मॉल कोड यूज करके जस्ट आपके लिए प्रोग्राम और फंक्शन इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, क्लियर। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इस केस में आपको कॉन्सेंट्रेट करना स्पेशली फॉर लॉजिक्स। लॉजिक्स के रिस्पेक्ट में फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आपके पास कोई स्ट्रिंग है एस और इस स्ट्रिंग एस में मैंने एंटर किया लाइक दैट एड स्ट्रिंग एड, जस्ट मैं स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ, देन एड की जस्ट बात क्या स्पेस देन समथिंग बैड देन अगेन स्पेस बैड के बाद फाइनली कैड लाइक दैट। इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी कैरेक्टर एरे अवेलेबल है तो कैरेक्टर एरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो क्योंकि आपके लिए क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा लेंदी जाएगा, देन आपके लिए सोर्स कोड फ्रिक्वेंटली राइट डाउन करना पॉसिबल है। सबसे पहले कैरेक्टर एरे मैनेज करोगे, कैरेक्टर एरे के जस्ट बाद जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे इंडेक्सिंग, लास्ट प्लेस पर आसान क्या हो जाएगा नल। इस केस में मैंने ओनली लिमिटेड कैरेक्टर्स यूज किए जिससे आपके लिए लॉजिक्स इजीली समझना पॉसिबल। लिमिटेड कैरेक्टर्स के आप चेक कर सकते हो, इस केस में टोटल मैंने 4 डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स यूज किए हैं, ओनली ए बी सी एंड डी। मीन्स इस केस में सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट कैसे हुए, ए बी सी एंड डी प्लस स्पेस। तो टोटल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स कितने हैं, 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने स्मॉलेस्ट सेट लिया जिससे आपके लिए लॉजिक्स फ्रिक्वेंटली समझना पॉसिबल हो। जस्ट इन दैट केसेस स्ट्रिंग एरे का नेम क्या है, समथिंग एस। फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, क्लियर। दिस इज द गिवन स्ट्रिंग। वन मोर थिंग, इस केस में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए हैं, कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, सी, डी एंड कैरेक्टर स्पेस, क्लियर। इस केस में जस्ट मैं इसके आस्की वैल्यू हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि इस केस में सारे के सारे ऑपरेशन आस्की वैल्यूज के बेसिस पर परफॉर्म कर रहा है। वन मोर थिंग्स, इस केस में मैंने ओनली 5 डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज किए, जबकि आपको पता है सी लैंग्वेज के अंदर टोटल मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने पॉसिबल है, 256 कैरेक्टर्स। तो फ्रीक्वेंसी भी कितने कैरेक्टर्स के लिए पॉसिबल हो, मैक्सिमम 256 कैरेक्टर्स के लिए, क्लियर। इसके रिगार्डिंग में जस्ट इंप्लीमेंट करेंगे, व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए, जस्ट 65, आस्की वैल्यू ऑफ बी 66, 67 एंड 68, आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस इज 32, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ए के केस में बात करें तो ए कितनी बार अपीयर हुआ है, जस्ट इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट शो करें। जैसे आप इस प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में गिवन स्ट्रिंग एंटर करोगे देन इसके करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट ऑफ दिस कोड इज जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज, ए कितनी बार रिपीट हुआ है, 1, 2 एंड 3, देन ए के रिस्पेक्ट में डिस्प्ले कर रहा है 3। देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज, नेक्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी किसका डिस्प्ले हुआ जस्ट आउटपुट के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट सेकेंड कैरेक्टर क्या है, डी। तो इस केस में काउंट क्या करूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी 1, 2, 3 एंड 4, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी इज 4। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट डी ऑलरेडी काउंट हो चुका है तो सेकेंड टाइम काउंट नहीं करोगे, स्पेशली याद रखना। देन स्पेस, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेस इज जस्ट 1, 2। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी का फ्रीक्वेंसी भी काउंट नहीं हुआ इसलिए नेक्स्ट टाइम काउंट क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी कितनी बार अपीयर हुआ है, ओनली 1 टाइम, तो बी का फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया 1। नेक्स्ट व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी के जस्ट बाद नेक्स्ट कमिंग कैरेक्टर क्या है, सी, और सी का भी फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑल्सो 1। दिस इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट रिगार्डिंग गिवन स्ट्रिंग। लेकिन क्वेश्चन है कि इस केस में आउटपुट कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं है, मीन्स इस पर्टिकुलर केस को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लॉजिक किस तरह से प्रोवाइड करोगे। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होगा सी लैंग्वेज के अंदर, अभी तो मैंने स्मॉल सेट यूज किया है, आपको केवल इस पर्टिकुलर इनपुट के अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम डिजाइन नहीं करना, प्रोग्राम ऐसा डिजाइन करना जो सभी केस में वर्क करे फॉर एनी इनपुट्स। अभी तो जस्ट मैंने अल्फाबेट्स यूज किए ओनली,
स्पेसेस, हो सकता है आपने कोई डिजिट सेंटर किया, हो सकता है आपने स्पेशल सिंबल सेंटर किया, देन ये कोड क्या होना चाहिए, कोड किस टाइप का होना चाहिए, कोड सभी केसेस में वर्क करना चाहिए। तो इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, इस केस में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए सबसे पहले आप एक और सेपरेट एरे क्रिएट करोगे। इस सेपरेट एरे का साइज क्या लेंगे, इस एरे का टाइप क्या रहा है, फ्रीक्वेंसी एरे। इसे इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट करेंगे, इसे इंटीजर टाइप के एरे में स्टोर क्या कराएंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। मीन जब भी आप कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करोगे, फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, अगेन मेमोरी स्पेस। ये स्पेस क्रिएट कराओगे इन द फॉर्म ऑफ एरे, क्योंकि इस केस में टोटल डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट कितने कैरेक्टर्स पॉसिबल है, देयर मे बी चांस ऑफ हैविंग 256 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, आउट ऑफ देम टोटल 256 है, लेकिन इसमें से आप ये 1 माइनस क्या करोगे, नल, क्योंकि नल का फ्रीक्वेंसी कभी काउंट नहीं होगा। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने इस केस में, 255। क्लियर? फिर भी अगर आपको 256 कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जस्ट सेपरेट एरे क्रिएट करना है। फ्रीक्वेंसी किस फॉर्म में काउंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो इसे सेपरेट एरे का साइज क्या लोगे, एज अ इंटीजर एरे। इसे इंटीजर एरे को मैं नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ एफ। हियर एफ स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, एफ का जस्ट मीनिंग क्या रहेगा, फ्रीक्वेंसी। प्लस इसे एरे का टाइप क्या है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस एरे, जस्ट इंटीजर। मीन्स इंटीजर टाइप का एक सेपरेट एरे क्रिएट करेंगे, एक अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको एरे को नेम प्रोवाइड कराना है एर एफ और एफ आर। एफ आर स्टैंड फॉर फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज द साइज, 256। क्लियर? मीन्स करेंट इनपुट के अकॉर्डिंग बात करें तो करेंट इनपुट के अकॉर्डिंग आपको ओनली एरे का मैक्सिमम साइज 5 ही लोगे तब भी सफिशियंट है, क्योंकि 5 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। लेकिन आपको कोई ऐसा एरे क्रिएट करना है जिसके इसमें सभी इनपुट्स के लिए वर्क करें, नॉट ओनली दैट वन। तो इसलिए मैं मैक्सिमम साइज का डिक्लेयर करूंगा 256। 256 के अकॉर्डिंग इस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, ओनली दैट फ्रीक्वेंसी एरे। इस अगर आपने इस फ्रीक्वेंसी एरे को मैनेज कर लिया, देन आपके लिए प्रोग्राम इजीली समझना पॉसिबल है। क्लियर? देन अडे द आस्क्यू मीन्स सबसे पहले स्टोर किया हुआ फर्स्ट कैरेक्टर, देन सेकंड कैरेक्टर एंड सो ऑन। लेकिन मैं इस केस में पोजिशंस केवल मैं उन्हीं इंडेक्सेस की बात करना, फर्स्ट लोकेशन का और फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 0। नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, 1। लेकिन आपको इंडेक्सेस ओनली किसके लिए रिक्वायर्ड है, मीन्स जस्ट कॉन्सेंट्रेट क्या करना, ओनली दीज कैरेक्टर्स। देन इस केस में जस्ट आफ्टर सम प्लेसेस, इस प्रीवियस प्लेस का इंडेक्स क्या रहेगा, समथिंग 31, सम मिडिल प्लेसेस, देन नेक्स्ट प्लेस का इंडेक्स क्या है, 32, नेक्स्ट प्लेस का इंडेक्स क्या है, समथिंग 33, नेक्स्ट अगेन सम रिमेनिंग प्लेसेस, नेक्स्ट वन इंडेक्स मे बी 64, सॉरी इस प्लेस का जस्ट मैं इंडेक्स क्या क्रिएट कर रहा हूँ एज अ 64 ऑनवर्ड्स। देन नेक्स्ट प्लेसेस का इंडेक्स क्या रहेगा, 65, 66, 67, 68, 69 एंड सो ऑन, 65, 66, 67। डॉट डॉट से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने टोटल साइज के लिए 256 और साइज का एरे इस डायग्राम में इंप्लीमेंट करना है, बोर्ड पर इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं केवल वही इंडेक्स हाईलाइट करूँ जो जस्ट आप यूज करने वाले अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट, 68, 69। और इधर इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या रहेगा, जस्ट 255। क्लियर? वन मोर थिंग, से इंटीरियर टाइप का एरे, इसलिए आपको नल स्टोर कराने के लिए कोई भी स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है सेपरेटली। नेक्स्ट वन, इसे एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या रहेगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1, लाइक दैट। वन मोर थिंग्स, इन पर्टिकुलर प्लेसेस पर मैनेज क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन इनिशियली मैं बाय डिफॉल्ट सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी कंसिडर करूंगा एज अ 0। तो अगर एरे के सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज करना, या तो आप सेपरेटली लूप यूज करो, लूप के थ्रू सारे के सारे एलिमेंट्स में आसान क्या कराओ, 0। दूसरा आपके पास लॉजिकल केस क्या है, अगर एरे के अंदर आप किसी भी एलिमेंट को इनिशियलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू पार्शियल इनिशियलाइजेशन, पार्शियल इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर एक भी एलिमेंट इनिशियलाइज किया, तो बाय डिफॉल्ट एलिमेंट किस प्लेस पर आसान होगा, 0 इंडेक्स। देन इसके अकॉर्डिंग रिमेनिंग प्लेसेस पर क्या आसान हो जाएगा, इस रिमेनिंग अन इनिशियलाइज्ड एलिमेंट भी बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किससे हो जाएंगे, 0 से। तो आपको कोई सेपरेटली लूप मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अगर पार्शियल इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग एरे का एक भी एलिमेंट असाइन हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, देन रिमेनिंग एलिमेंट्स का भी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ऑल्सो 0। क्लियर? इज द इनिशियल वैल्यू ऑल प्लेसेस और ऑल एरे। नेक्स्ट थिंग्स, अब आपको जस्ट परफॉर्म क्या कराना है, जस्ट एक लूप मैनेज करना है, इस लूप के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या कराना है, जस्ट इसे स्ट्रिंग को कम्प्लीटली ट्रैवर्स करना है, जैसे स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो इस लूप को इम्प्लीमेंट करने का या लूप को क्रिएट करने का जस्ट मेन पर्पज क्या है, काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ
each character, counting frequency of each characters. One more thing, sir, we just mean logics implement karunga, then is logics ke implement hone ke baad main completely source code separately write karunga. Then isko just string ko traverse karne ke liye loop kahan se start hoga? I ka initial value assign karo 0. Kab tak chalayenge? Jab tak s of I ka value null nahi ho jata. Clear? Next one, I plus plus. This case mein just frequency count karenge. For example, first time I ka value kya rahega? अरे द वैल्यू ऑफ i इन फर्स्ट केस 0. i का वैल्यू जब 0 हो तो इस केस में s ऑफ i से क्या रिप्रेजेंट होगा? कैरेक्टर अवेलेबल इन 0 इंडेक्स. 0 इंडेक्स में कैरेक्टर क्या फाउंड हो रहा है? a. तो a के रिस्पेक्ट में तो a का फ्रीक्वेंसी किस इंडेक्स में मैनेज करूंगा? ASCII वैल्यू ऑफ a. a के ASCII वैल्यू की बात करें तो a का ASCII वैल्यू क्या है? 65. ASCII वैल्यू ऑफ d इज 68. अगेन 68. दैट मींस जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं सभी कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी मैं उसे सेपरेट प्लेस पर मैनेज करूंगा अकॉर्डिंग टू देयर ASCII वैल्यूज. मींस a का फ्रीक्वेंसी मींस एरे के अंदर टोटल कितना साइज है? 256. लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस पर मैनेज करेंगे? अकॉर्डिंग टू मींस इस पर्टिकुलर कैरेक्टर का ASCII वैल्यू मैच करेंगे विद देयर इंडेक्सेस. फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में क्या है? ए और ए का ASCII वैल्यू क्या 65. तो ए का फ्रीक्वेंसी किस प्लेस पर मैनेज करेंगे? इन 65 लोकेशन. 65 लोकेशन में फ्रीक्वेंसी में किसका मैनेज करूंगा? ए का. सेम एज स्पेस. स्पेस का ASCII वैल्यू क्या 32. तो 30 में से स्पेस का ASCII वैल्यू किस प्लेस पर मैनेज करूंगा? इन 32 लोकेशंस. सेम एज बी. बी का ASCII सॉरी बी का फ्रीक्वेंसी में स्टोर करूंगा इन प्लेस ऑफ 66 एंड सो ऑन. क्लियर? देन 67 प्लेस पर स्टोर क्या कराएंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ सी. 68 प्लेस पर स्टोर क्या कराओगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ डी एंड सो ऑन. क्लियर? देन व्हाट इज द ASCII वैल्यू ऑफ स्पेस? 32. ASCII वैल्यू ऑफ बी 66. ASCII वैल्यू ऑफ ए 65. मैं इसलिए राइट कर रहा हूं जिससे आपकी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. देन डी के केस में ASCII वैल्यू क्या 68, अगेन 32. सी का ASCII वैल्यू क्या जस्ट 67. ए का ASCII वैल्यू 65 एंड डी का ASCII वैल्यू क्या जस्ट 68. लाइक दैट. जैसे ही इस लूप के थ्रू इस लूप का वर्किंग क्या है? एरे के अंदर और एरे के ऑल एलिमेंट्स वन बाय वन विजिट करना. क्लियर? इस लूप का जस्ट पर्पज क्या है? जस्ट विजिटिंग ऑल एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग. फर्स्ट टाइम आई किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करा? फर्स्ट एलिमेंट. तो फर्स्ट एलिमेंट के केस में ए अपीयर हो चुका था, ए को काउंट करेंगे जब 1. लेकिन ए का फ्रीक्वेंसी आसान किस एरे में कराना है? एफ. और एफ के अंदर किस इंडेक्स में साइन करना है? ए का ASCII. मीन्स इस केस में जस्ट आसान क्या करना है? फ्रीक्वेंसी. मीन्स जस्ट इंक्रीमेंट कराना, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी ए के केस में करें तो ए का एग्जिस्टिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. जस्ट जैसे ही फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ जैसे इमीडिएटली इस प्लेस के वैल्यूज को इंक्रीज कराया, इसलिए मैंने एरे के सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज किए थे. लेकिन ए के रिस्पेक्ट मत करें इस प्लेस पर पास क्या करेंगे? जस्ट ए किस प्लेस पर मैंने जो रहा है 65 प्लेस पर. लेकिन आपके लिए डायरेक्टली 65 राइट कर देना, एवरी टाइम इंक्रीमेंट का होगा सेम प्लेस पर. इसलिए दूसरा केस क्या है? ए. ए भी अगेन क्या है? फिक्स्ड. तो ए पास न करके आपको पता है ऑलरेडी मीन्स करेंटली एवरी टाइम आप फ्रीक्वेंसी किसका मैनेज कराओगे? एस ऑफ आई. तो इस प्लेस पर सप्लाई क्या करेंगे? एस ऑफ आई. चेक इट. करेंटली जैसे ये एरे इंप्लीमेंट होगा तो एरे के रिस्पेक्ट में जस्ट एस ऑफ आई के केस में आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा? आई का करेंट वैल्यू. और आई का करेंट वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू डायग्राम? इज 0. देन प्लस प्लस. इसके जस्ट बाद रिप्लेस क्या करें? वैल्यू ऑफ एस ऑफ 0. और एस ऑफ 0 में बात करें तो एस ऑफ 0 में क्या स्टोर है? जस्ट ए. इस प्लेस पर रिप्लेस क्या जाएगा? फाइनली ए प्लस प्लस. नेक्स्ट वन. इसके जस्ट बाद ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या जाएगा? एफ ऑफ ए के प्लेस पर कंसिडर क्या करो? 65 प्लस प्लस. देन फाइनली इंक्रीमेंट किस प्लेस पर हुआ? एफ ऑफ 65. एफ इस एरे का नाम है, इसके अंदर 65th इंडेक्स कौन सा? दैट वन. तो इस प्लेस में जस्ट इंक्रीमेंट करा दो, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 1. नाउ नेक्स्ट वैल्यू इज सॉरी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 0. न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसके अंदर? रह जा 1. क्लियर? नेक्स्ट वन. इसके जस्ट बाद आई प्लस प्लस होगा तो आई की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी? 1. वाई नेक्स्ट टाइम सेकेंड एलिमेंट को पॉइंट करेगा. दैट वन. इस जस्ट आपको स्टेप वाइज कॉन्सेंट्रेट करना. नेक्स्ट एलिमेंट क्या अगेन? आई के केस में आई किसको पॉइंट करा? 1 को, क्योंकि आई के अंदर जस्ट आसान क्या हो चुका है इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग?
वन। नेक्स्ट टाइम अगेन डी के लिए चेक करेंगे तो अगेन फिर इस केस में सर ये तो क्लियर, मैं आपको इस केस में लूप चलाना नहीं बता रहा हूँ, लूप आपको ऑलरेडी इसका बिहेवियर पता था। नेक्स्ट टाइम फाइंडली अगेन कंडीशन टू, कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा जब तक आई का वैल्यू 11 नहीं हो जाता है, मीन जब पर नल नहीं मिल जाता है। तो अगेन फिर से आई के प्लेस पर नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू रिप्लेस करेंगे और आई का करंट वैल्यू क्या है 1, और एफ एस ऑफ 1 में क्या स्टोर है स्ट्रिंग, एस के अंदर 1 इंडेक्स में क्या स्टोर है डी। तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर क्या रिप्लेस होने वाला है जस्ट डी, क्लियर। और डी के केस में डी के प्लेस पर कैरेक्टर डी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा डी का आस्की वैल्यू, और डी का आस्की वैल्यू क्या है जस्ट 68। तो नेक्स्ट टाइम किसी इंडेक्स के एलिमेंट में, इसे किस एरे में इंक्रीमेंट हो रहा है एफ, एफ के अंदर किस एलिमेंट में इंक्रीमेंट हुआ 68th पोजीशन, 68th पोजीशन मीन दैट प्लेस एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, इंक्रीमेंट होगा तो इस प्लेस की भी वैल्यू क्या हो जाएगी ऑल्सो 1। मीन से ए 1 टाइम अपीयर हो चुका है इसलिए ए का करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो चुका है, देन डी 1 टाइम अपीयर हो चुका है डी का भी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो नेक्स्ट टाइम आई किसको रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन है फॉर लूप का कंडीशन अगेन ट्रू है, देन इस केस में नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करेंगे आई का करंट वैल्यू, और आई का करंट वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट टाइम क्या रिप्लेस करोगे अगेन इनसाइड दैट, मीन्स ओनली आपको ये दो स्टेटमेंट कॉन्सोलिडेट करना है। इस प्लेस पर आई के प्लेस पर क्या आएगा 2, एस ऑफ 2 में क्या स्टोर है एस ऑफ, इसे एरे के अंदर एफ एरे के अंदर इंडेक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वैल्यू ऑफ एस ऑफ 2, और एस ऑफ 2 में क्या अगेन डी, अगेन डी, और डी का आस्की वैल्यू क्या है मीन डी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा डी का आस्की वैल्यू 68। तो नेक्स्ट टाइम अगेन किस प्लेस पर इंक्रीमेंट हुआ डी में, सॉरी एफ ऑफ 68 पोजीशन में, एफ ऑफ 68 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 1, इंक्रीमेंट के बाद न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा इसका जस्ट 2, क्लियर। चेक कर सकते हो ए अभी तक 1 टाइम ऑफर होगा और डी 2 टाइम्स, तो इसलिए ए के केस में कितना वैल्यू फाउंड था 65 प्लेस पर 1 और 68 पोजीशन में 2। नेक्स्ट टाइम लूप के अकॉर्डिंग मीन से इंक्रीमेंट होने के बाद एवरी टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग आई की न्यू वैल्यू क्या होगी इस केस में 3, न्यू वैल्यू 3 होने के अकॉर्डिंग देन आई किस लोकेशन को रिप्रेजेंट करेगा नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम चेक कर सकते हो आई इंडेक्स पर अभी एग्जिस्टिंग एलिमेंट क्या है समथिंग स्पेस, क्लियर स्पेस। तो स्पेस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टाइम एस ऑफ आई का सबसे पहले आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे और आई का करंट वैल्यू क्या है 3, रिप्लेस क्या करेंगे एस ऑफ 3, और एस ऑफ 3 के प्लेस पर क्या आएगा एस ऑफ 3 का वैल्यू, एस ऑफ 3 का वैल्यू क्या है एस ऑफ 3 मीन्स दैट प्लेस मीन्स स्पेस। तो फाइनली इस प्लेस पर इंडेक्स एरे एफ के अंदर इंडेक्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा स्पेस, और स्पेस के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ स्पेस का आस्की वैल्यू, और स्पेस का आस्की वैल्यू क्या होता है 32, मैं ऑलरेडी आपको नोट डाउन करा चुका हूँ 32। तो नेक्स्ट टाइम किस एरे एफ के अंदर किस एलिमेंट में इंक्रीमेंट होगा वैल्यू ऑफ एफ 32 पोजिशन, एफ 32 पोजिशन का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा जस्ट 1। मीन्स अभी तक केवल इतने पार्ट को अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो मीन्स ए कितनी बार अपीयर हो चुका है 1 टाइम, डी कितनी बार अपीयर हो चुका है 2 टाइम्स, एंड स्पेस कितनी बार अपीयर हो चुका है 1 टाइम्स, और रिमेनिंग कैरेक्टर्स अभी भी कैसे हैं 0 टाइम्स। नेक्स्ट टाइम अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, नेक्स्ट टाइम आई किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा 4th इंडेक्स, क्लियर। तो ऑपरेशन आप किसके लिए परफॉर्म करेंगे दैट एलिमेंट। नेक्स्ट टाइम अगेन फॉर लूप का कंडीशन कैसा स्टिल ट्रू। नेक्स्ट टाइम आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओगे वैल्यू ऑफ आई, और करंटली आई का वैल्यू क्या है 4, इसे इस प्लेस पर क्या आएगा 4। नेक्स्ट टाइम रिप्लेस कराएंगे वैल्यू ऑफ एस ऑफ 4, और एंड एस ऑफ 4 में क्या फाउंड हो रहा है कैरेक्टर बी, देन एरे एफ के अंदर बी के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे आस्की वैल्यू ऑफ बी, जो कि आस्की बी का आस्की वैल्यू एक्ट करेगा एक्स लाइक इंडेक्स फॉर एफ, बी का आस्की वैल्यू क्या है 66। तो अगेन इस केस में किस पोजिशन वाले एलिमेंट में इंक्रीमेंट हुआ एफ 66, एफ मीन्स दैट एरे 66 पोजिशन दैट 1, देन इस प्लेस पर एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 0, नेक्स्ट टाइम न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 1। मीन्स अभी तक अगर इसे लेफ्ट पोर्शन को आप विजिट करो तो बी 1 टाइम अपीयर हो चुका है, स्पेस 1 टाइम, डी 2 टाइम्स, एंड ए 1 टाइम, करेस्पॉन्डिंग इस केस में एरे में भी इंप्लीमेंटेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 5, आई रिप्रेजेंटिंग दैट प्लेस। नेक्स्ट अगेन इस प्लेस पर क्या एलिमेंट ए, लूप का कंडीशन ट्रू है, देन आई के प्लेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे और आई का करंट वैल्यू क्या है इस केस में वैल्यू ऑफ आई इज 5, देन रिप्लेस क्या है एस 5, एस 5 के प्लेस पर रिप्लेस कराओगे एस ऑफ 5 का वैल्यू, एस ऑफ 5 में क्या ए, इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ ए, और ए के प्लेस पर ए का आस्की वैल्यू रिप्लेस कराएंगे 65। तो नेक्स्ट टाइम अगेन किस केस में इंक्रीमेंट होगा एफ 65 पोजिशन,
एफ 65 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या था 1, इंक्रीमेंट का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 2। चेक कर सकते हो अभी तक ए 2 टाइम अपीयर हो चुका है, इसलिए ए का ऑकरेंस क्या हो रहा है 2। मीन्स ऑकरेंस सेपरेट एरे के अंदर मैनेज हो रहा है, क्लियर। अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या 6। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा इस केस में ऑपरेशन किस टाइप से परफॉर्म हो रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर अगेन रिप्लेस क्या हुआ, करंट वैल्यू ऑफ आई, और आई का वैल्यू क्या करंटली 6। आई नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, देन रिप्लेस क्या हुआ एस ऑफ 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस ऑफ 6, अगेन कैरेक्टर डी। इस प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे कैरेक्टर डी, और डी के प्लेस पर डी का आस्क वैल्यू रिप्लेस करोगे, डी का आस्क वैल्यू क्या है आई थिंक 68। देन जस्ट एफ 68 पोजिशन में इंक्रीमेंट कराएं, एफ 68 पोजिशन का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 2। इसमें जस्ट इंक्रीमेंट होने का न्यू वैल्यू क्या है इस केस में 2 में, 1 से इंक्रीमेंट कराने पर न्यू वैल्यू इज 3, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। आई नेक्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। देन नेक्स्ट वन अगेन एस ऑफ आई, आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करोगे करेंट वैल्यू ऑफ आई, और आई का करेंट वैल्यू क्या है 7। रिप्लेस क्या करें एस ऑफ 7, एस ऑफ 7 के प्लेस पर एस ऑफ 7 का वैल्यू क्या आएगा स्पेस, स्पेस का आस्क वैल्यू क्या है 32। मीन्स इस प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हो स्पेस, और स्पेस का आस्क वैल्यू क्या है 32। तो नेक्स्ट टाइम अगेन किस प्लेस पर इंक्रीमेंट होगा एफ 32 में, एफ 32 का एग्जिस्टिंग वैल्यू 1 है, न्यू वैल्यू इज 2, क्लियर। नेक्स्ट वन एंड मीन्स फाइनली इस प्लेस पर फाइनल वैल्यू क्या है जस्ट 2। नेक्स्ट में अगेन आई प्लस प्लस हो तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। आई नेक्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, देन नेक्स्ट टाइम अगेन व्हाइल का फोर लूप का कंडीशन कैसा है ट्रू, और आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुआ आई का वैल्यू, और आई का करंट वैल्यू क्या है 8। एस ऑफ 8, एस ऑफ 8 के प्लेस पर एस ऑफ 8 का वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे सी, सी के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा आस्की वैल्यू ऑफ सी, सी का आस्की वैल्यू क्या 67। देन नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट किस प्लेस पर हुआ चेक कर सकते हो, सी फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ है और 67 पोजीशन का ऑकरेंस अभी कैसे हो रहा है 0। देन एफ 67 में जस्ट इंक्रीमेंट होगा तो 0 प्लेस का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मीन्स अब सी का ऑकरेंस कैसे हो रहा है, मीन्स ये पर्टिकुलर प्लेस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ऑकरेंस ऑफ ए, ऑकरेंस ऑफ बी, ऑकरेंस ऑफ सी एंड ऑकरेंस ऑफ डी, सिमिलरली ऑकरेंस ऑफ स्पेस, क्लियर लाइक दैट। नेक्स्ट टाइम अगेन एफ 67 पोजीशन में इंक्रीमेंट करा चुका हूँ, सी का ऑकरेंस कैसे होने लगा इस केस में 1। अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 9। नेक्स्ट टाइम आई नेक्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, देन अगेन सेम केस आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराओ वैल्यू ऑफ आई, करेंटली आई का वैल्यू क्या है आई वैल्यू इज 9। एस ऑफ 9 के प्लेस पर एस ऑफ 9 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एस ऑफ 9 में क्या स्टोर है ए, कैरेक्टर ए, रिप्लेस क्या कराएंगे कैरेक्टर ए। देन इंक्रीमेंट किस में हुआ ए के आस्क में, इस प्लेस पर ए के प्लेस पर क्या आएगा 65, एफ ऑफ 65 में इंक्रीमेंट करेंगे, और एफ ऑफ 65 में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 2। नेक्स्ट इंक्रीमेंट का जस्ट न्यू वैल्यू क्या आएगा इस प्लेस पर 2 में इंक्रीमेंट कराने का जस्ट 3। चेक कर सकते हो अभी तक 0 से लेकर आई तक के केस में ए कितनी बार अपीयर हुआ 1, 2, 3, इसलिए ए का ऑकरेंस भी क्या सोने लगा आपको 3, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन आई प्लस प्लस होगा तो आई के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू क्या हो जाएगा जस्ट 10, यानी आई नेक्स्ट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर। नेक्स्ट वन नेक्स्ट प्लेस पर एलिमेंट क्या फाउंड हो रहा है डी, अगेन इस प्लेस पर क्या आ जाएगा आई वैल्यू, और आई का वैल्यू क्या है 10। देन कैरेक्टर्स के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा एस ऑफ 10 के अंदर क्या स्टोर है डी, रिप्लेस कराएंगे कैरेक्टर एस डी, एंड डी का आस्की वैल्यू क्या है 68। तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ ये कि डी के प्लेस पर बिकम्स एफ 68 प्लस प्लस एफ 68 का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 3, मीन्स डी का एग्जिस्टिंग ऑकरेंस क्या था 3, अब न्यू ऑकरेंस क्या हो रहा है इस केस में जस्ट 4। चेक कर सकते हो डी टोटल कितनी बार अपीयर हुआ 1, 2, 3, 4, इस टाइप से एरे के अंदर टोटली आप ऑकरेंस मैनेज करोगे। देन अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 11। देन लूप के अंदर एस ऑफ 11 का वैल्यू रिप्लेस होगा, और एस ऑफ 11 में क्या फंड हो रहा है नल, देन ये लूप का कंडीशन कैसा हो जाएगा फॉल्स, मीन्स आगे ऑपरेशन स्टॉप हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट मीन्स फर्स्ट लूप के केस में या करंट केस में जस्ट अभी आपने काउंट क्या किया ओनली ऑकरेंस, और नेक्स्ट केस क्या एक बार आपने सभी कैरेक्टर का ऑकरेंस काउंट कर लिया, देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या जस्ट डिस्प्लेइंग ऑकरेंसेस ऑफ ऑल एलिमेंट, मीन्स अभी तक कहीं भी ऑकरेंसेस प्रिंट हुए हैं क्या नहीं, जस्ट अब प्रिंट कराना, तो प्रिंट कराने के लिए अगेन फिर से सेम लूप और सेम एरे फिर से विजिट करना पड़ेगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग प्लेस।
मीन्स फर्स्ट टाइम लूप किसके लिए इटरेट कराया था, जस्ट काउंटिंग ऑकरेंस। सेकेंड टाइम लूप किसके लिए मैनेज करेंगे, अगेन डिस्प्लेइंग ऑकरेंस। क्लियर? तो नेक्स्ट वन क्या है, डिस्प्ले और प्रिंट ऑकरेंस ऑफ ऑल कैरेक्टर्स। देन अगेन फिर से लूप विजिट करोगे, फोर लूप। नेक्स्ट वन फोर के रेस्पेक्ट में आपके पास टू केसेस हैं, फोर लूप एरे एस के लिए भी मैनेज कर सकते हो और एरे एफ के लिए भी मैनेज कर सकते हैं, दोनों केस पॉसिबल हैं। इन इस केस में मैं एरे एस के लिए मैनेज कर रहा हूँ। इन दोनों केस मीन्स लूप किसके लिए मैनेज करना बेस्ट केस रहेगा, अगर स्ट्रिंग टू शॉर्ट है, मीन्स स्ट्रिंग के अंदर 10, 20 या 50 कैरेक्टर्स हैं, देन आपकी बेस्ट केस क्या है, इस केस में लूप किसके लिए मैनेज करोगे, एस के लिए प्रिंट कराने के लिए। अगर स्ट्रिंग के अंदर 1000, 2000 और 10,000 कैरेक्टर्स हैं, देन बेस्ट केस क्या है, गिवन वन। क्योंकि अगर 1000 कैरेक्टर्स होंगे देन इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, 1000 टाइम्स। अगर आप फ्रीक्वेंसी के लिए लूप चलाओगे देन मैक्सिमम लूप कितनी बार चलेगा, 256 टाइम्स। इसलिए बेटर केस क्या रहेगा, सेकेंड वन। क्लियर? लेकिन मैं करंट केस में एस के लिए लूप मैनेज कर रहा हूँ, अगेन आई इक्वल्स टू जीरो, देन एस ऑफ आई। जैसे ही एस ऑफ आई का वैल्यू नल होगा देन इमीडिएटली लूप स्टॉप हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, देन इसके अंदर कैरेक्टर मीन जो भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिस्प्ले करा हो क्या, नहीं। सपोज दैट मैं अगर इस केस में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डिस्प्ले करा रहा हूँ लाइक दैट, प्रिंट एफ, जैसे ही लूप चलेगा देन डिस्प्ले क्या कराएंगे, करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे परसेंट सी, और फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कराने के लिए यूज करेंगे क्या करोगे, परसेंट डी। तो इस प्लेस पर कैरेक्टर किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एस ऑफ आई से। क्लियर? लेकिन किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी किस में स्टोर है, एफ के अंदर, और एफ का इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट होगा, जस्ट एफ के अंदर। इंडेक्स के प्लेस पर अगर यूज क्या करोगे, चेक कर सकते हो एफ के अंदर इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट किया है, एस ऑफ आई के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले भी कैसे कराएं, बाय यूजिंग एस ऑफ आई। क्लियर? एस ऑफ आई। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद चेक कर देंगे इसका आउटपुट क्या आएगा। फर्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या है, जीरो, वैल्यू ऑफ आई इज जीरो। अगर मैं आई को जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, आई बिकम्स जीरो, तो आई फर्स्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए। तो इस केस में ए पास होगा कंडीशन ट्रू, देन स्पेस पर क्या पास होगा, ऑल्सो ए, ऑल्सो ए। तो आउटपुट विंडो में जस्ट डिस्प्ले क्या हो जाएगा, कैरेक्टर एज ए। परसेंट सी के प्लेस पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ए। देन एफ ऑफ एफ के रिस्पेक्ट में बात करें, एफ के अंदर एस ऑफ आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, ए। एंड ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, 65। एफ ऑफ 65 के प्लेस पर जस्ट क्या रिप्लेस हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 65, इसका वैल्यू क्या है, 3। तो फाइनली इस प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा, एस 3। तो इसलिए परसेंट डी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, जस्ट 3 इन फर्स्ट केस। तो इस केस में जस्ट आउटपुट क्या आएगा फर्स्ट केस में, दैट वन। इस प्लेस पर आप स्लैश एन अप्लाई कर सकते हो, जिससे एवरी टाइम आउटपुट न्यू लाइन में प्रिंट होगा। नेक्स्ट वन, अगेन सेकेंड लाइन में क्या प्रिंट होने वाला है, जस्ट फिर से अगेन आई प्लस प्लस होगा, तो आई प्लस प्लस के अकॉर्डिंग जस्ट आई का वैल्यू क्या हो जाए, वन। वन मोर के स्टाइल से अगर आप डायरेक्टली डिस्प्ले करा दें, इसके इसमें प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है, ए, तो ए का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट टाइम एस ऑफ आई का वैल्यू क्या है, डी, तो नेक्स्ट टाइम डी का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले हो जाए, अगेन फिर से क्या आएगा, फिर से डी, तो डी का अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होगा। मीन्स इस केस में अगर डी टोटल 4 टाइम रिपीट हुआ, तो डी का फ्रीक्वेंसी भी कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स। मैं क्या चाहता हूँ, एक बार अगर किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी प्रिंट हो चुका है, तो इसका फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट टाइम प्रिंट होना चाहिए क्या, नहीं। तो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे, जस्ट इफ कंडीशन, इफ कंडीशन। वन मोर थिंग्स, इफ कंडीशंस के केस में मीन्स अगर कोई कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ है, तो उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो। तो जिस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी जीरो, उसको डिस्प्ले कराने की जरूरत है क्या, नहीं। तो सिंपली यूज क्या करोगे, जस्ट लाइक दैट, इफ देन एफ ऑफ एस ऑफ आई। अगर इसका वैल्यू जीरो नहीं है, अगर इसका वैल्यू जीरो है, देन कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। लेकिन ऑपरेशन कब परफॉर्म कराना है, इफ वैल्यू इज नॉट जीरो। अगर एस ऑफ आई के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी स्टोर है, अगर कोई भी कैरेक्टर एटलीस्ट वन टाइम या फिर हुआ, देन इस प्लेस पर रिप्लेस किया हम पॉजिटिव नंबर्स, 1, 2, 3 लाइक दैट। कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू होने की इसमें एक बार अगर आप किसी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले करा चुके हो, देन नेक्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले ना हो, उसका वैल्यू क्या सेट कर दोगे, जीरो, लाइक दैट।
f of s of I equals to 0. चेक कर सकते हो इस केस में, जस्ट लाइक दिस, दिस इज द बेस्ट लॉजिक्स. मींस इस केस में कोई भी किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी ओनली वन टाइम प्रिंट होगा, ना कि मोर देन वन टाइम्स. चेक कर सकते हो इसे प्लेस बाय जस्ट रिप्लेस किया हो, f ऑफ 65, मींस s ऑफ i का वैल्यू जस्ट क्या था 65. फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ करंटली, फाइनल वैल्यू आप चेक कर चुके हो ऑलरेडी, क्या डिस्प्ले हुआ था 3. 3 मींस कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है देन ये डिस्प्ले हो जाएगा. देन नेक्स्ट टाइम सेम प्लेस पर असाइन किया हुआ वैल्यू ऑफ 0, तो वैल्यू ऑफ 0 किस प्लेस पर असाइन होगा, f ऑफ 65. तो f ऑफ 65 का एग्जिस्टिंग वैल्यू 3 था, नेक्स्ट टाइम की वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, जस्ट 0, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी जस्ट डिस्प्ले हो चुका है. क्लियर? इसका एडवांटेज कब मिलेगा, नेक्स्ट केस में, जब ये नेक्स्ट टाइम अपीयर होगा, देन अगेन i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 1. i का वैल्यू जस्ट 1 होने के बाद नेक्स्ट टाइम s ऑफ i से क्या रिप्रेजेंट होगा, नेक्स्ट टाइम s ऑफ i क्या रिप्रेजेंट करा, d कैरेक्टर d. तो जैसे s ऑफ i के प्लेस पर क्या आएगा, d मींस कंडीशन 2, इस प्लेस पर क्या आएगा, d d means, then d के प्लेस पर क्या आएगा 68, f of 68 में क्या स्टोर है 4, तो इस प्लेस पर नेक्स्ट टाइम 3 के प्लेस पर if कंडीशन में क्या रिप्लेस होगा 4, 4 means कंडीशन ट्रू. क्लियर? कंडीशन ट्रू है देन प्रिंट एफ से फिर से क्या डिस्प्ले हो जाएगा, s of i का वैल्यू क्या है d, then s of i का वैल्यू क्या है d, एंड d के प्लेस पर क्या आएगा 68, एंड s of 68 में क्या स्टोर है जस्ट 4, तो इस प्लेस पर फाइनली वैल्यू क्या रिप्लेस होगा 4, तो इसलिए परसेंट डी के प्लेस पर क्या प्रिंट होगा वैल्यू एज 4. क्लियर? नेक्स्ट टाइम आई में इंक्रीमेंट हो, सॉरी वन मोर थिंग्स, इस प्लेस पर जस्ट एस ऑफ 68 में आसानी क्या हो जाएगा 0, अब वैल्यू ऑफ एस ऑफ 68 बिकम्स 0 जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑपरेशन. नेक्स्ट टाइम 0 होने के जस्ट बाद अगेन आई में इंक्रीमेंट होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ आई बिकम्स 2. नेक्स्ट टाइम s ऑफ 2 में चेक करेंगे, और s ऑफ 2 में क्या स्टोर है करंटली d, तो रिप्लेस क्या हुआ इस प्लेस पर एज अ कैरेक्टर d, देन f ऑफ d के प्लेस पर क्या जाएगा, f ऑफ d मींस क्या f ऑफ 68, और f ऑफ 68 का वैल्यू चेक कर सकते हो ऑलरेडी प्रीवियस केस में 0 सेट कर चुके, तो नेक्स्ट टाइम इस प्लेस पर क्या आएगा 4 और 0, 0 0 केस में कंडीशन फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स हो तो इस केस में कोई वैल्यू प्रिंट हुआ क्या, नहीं. नेक्स्ट टाइम डी के लिए कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, सॉरी सेकंड केस में कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने गिवन लॉजिक स्टार्ट किया, इस टाइप से आप इटरेट कर सकते हो. फाइनली इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या है स्पेस, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में स्पेस तो विजिबल नहीं हो, लेकिन स्पेस का फ्रीक्वेंसी क्या शो हो रहा है आपको, आप खुद से इस टाइप से शो कर सकते हो. स्पेस का जस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 32 प्लेस पर मीन्स 2. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है बी के केस में बी का फ्रीक्वेंसी क्या प्रिंट होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, बी मीन्स 66 क्या है 1. देन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है ए, तो ए ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है, और ए का वैल्यू भी क्या सेट है जस्ट 0, तो नेक्स्ट टाइम 0 केस में इफ कंडीशन फॉल्स होगा तो प्रिंट ही नहीं होगा. नेक्स्ट टाइम डी, डी के केस में ऑलरेडी क्या सेट हो चुका है, प्लस जैसे स्पेस के प्लेस पर भी क्या सेट हो चुका हुआ जस्ट 0. क्लियर? इस टाइप से फाइनली नेक्स्ट टाइम का रिप्लेस होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ सी विच इज आई थिंक 1, दिस इज द करेस्पॉन्डिंग आउटपुट. देन इस लॉजिक्स के बेसिस पर जस्ट मैं आपको सोर्स कोड पॉइंट कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए आप सोर्स कोड किस टाइप स्टार्ट करो चेक कर सकते हो इस केस में. ओवरऑल इस प्रोग्राम के अंदर टोटल वेरिएबल डिक्लेरेशंस कितने रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले कॉन्सल्टेट करेंगे रिक्वायर्ड इनपुट और रिक्वायर्ड रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप मीन्स इस फंक्शन से जस्ट फ्रीक्वेंसी इटसेल्फ डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स कोई वैल्यू रिटर्न कराने की जरूरत नहीं, इसलिए फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या यूज करो जस्ट void. Then frequency count, function name में use करना है जा frequency count. Then supply क्या करोगे required string, इसलिए argument type use करो मैं इस केस में है जा char star s. Next one, इस केस में just frequency को manage करने के लिए मैंने separate array create किया था f, और f का type क्या था integer, इसे integer array f का size क्या रखा था 256. देन इनिशियलाइज सारे के सारे एलिमेंट जीरो से इनिशियलाइज करने के लिए पार्शियल इनिशियलाइज परफॉर्म किया था, प्लस लूप को मैनेज करने के लिए सेपरेट वेरिएबल यूज करेंगे जस्ट आई. फर्स्ट केस में जस्ट ये लॉजिक्स, फर्स्ट केस में सबसे पहले आपको सेपरेट लूप मैनेज करना काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैरेक्टर्स, तो फर्स्ट केस में लूप किसके लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूँ जस्ट फॉर काउंटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, जस्ट सेम लॉजिक्स एस ऑफ आई एंड आई प्लस प्लस. क्लियर? नेक्स्ट वन बॉडी पार्ट में क्या है एफ ऑफ, सब कुछ मैं आपको डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके बता चुका हूँ इसका मीनिंग क्या है. क्लियर? द
then just plus plus. इसे every time frequency corresponding frequency में increment हो, plus increment किस array में हो रहा है? Array f के अंदर. Next time second array again manage करना. Second array का purpose क्या है? This means first case में सभी character का frequency count हो चुका है. Just frequency display कराना तो again आपको same logic put करना हो. तो next time logic क्या? Again फिर से loop manage करेंगे. First time loop के through element count हुए थे. Next time loop के through element display होंगे. तो again I equals to 0 s of I and I plus plus clear. Next time इस केस में जस्ट if condition provide किया था और if condition के अंदर supply क्या किया? Frequency of characters means अगर किसी character का frequency 0 है तो if condition कैसा हुआ? False. Otherwise किसी character का frequency non-zero है then उस केस में उस character का frequency display कराएंगे using printf. तो printf की केस में जस्ट use क्या करेंगे? percent c percent d and slash n just changing the line. Next one first case में just display क्या कराया था? In first case में print क्या होगा? S of I. Second case में f of s of I and close this is. नेक्स्ट इसके जस्ट बाद फ्रीक्वेंसी को 0 से सेट करने के लिए वन मोर स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करना होगा इसके अंदर? जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट f ऑफ s ऑफ i इक्वल्स टू 0. मींस 0 को आसान करने का मेन पर्पस क्या है? जिससे किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम डिस्प्ले ना हो, ओनली वन टाइम प्रिंट हो, ओनली वन टाइम. देन क्लोज दिस आउटर लूप. इस फाइनली फंक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है. देन इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए आप यूज क्या करोगे? मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शंस के अंदर आप जस्ट लॉजिक्स क्या यूज करेंगे? लाइक दैट मैं मेन फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूं, सिग्निफाई स्पेस नहीं, इसलिए नेक्स्ट स्पेस पर राइट डाउन करो. वॉइड मेन. मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले आप एरे क्रिएट करोगे कैरेक्टर टाइप का और स्ट्रिंग. कैर ए आप कोई भी मैक्सिमम साइज ले सकते हो, मे बी 100 1000 लाइक दैट. क्लियर? देन एरे के लिए वैल्यू रीड करने के लिए जस्ट मैं कॉल कर रहा हूं गेट्स फंक्शन. देन पास क्या किया मैंने इसके अंदर? एरे ए. नेक्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए जस्ट कॉल क्या कर लोगे इस प्लेस पर? फंक्शन एज फ्रीक्वेंसी काउंट प्लस जिस एरे का फ्रीक्वेंसी काउंट करना वो एरे सप्लाई करोगे एज अ आर्गुमेंट. देन क्लोज दिस मेन फंक्शन. इस टाइप से आपके लिए टेस्ट करना पॉसिबल है.